वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें यहाँ पे रेडमी नोट 5 में। तो यहाँ पे ग्लोबल वर्जन में यहाँ पे रेडमी 5 प्लस आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे 11.0.2.0 एंड्रॉइड 8.1 मिल जाता है। तो इस वर्जन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो विदाउट डेटा लॉस के, तो कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस में यहाँ पे TWRP या रूट करना चाहते हो तो फर्स्ट आपको यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा, जो कि अगर आप ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉक कर चुके हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके डिवाइस में यहाँ पे बूट लोडर लॉक है तो आप बेशक अनलॉक कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मैं बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, जो कि अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो आपके में यहाँ पे बूटलोडर लॉक है अनलॉक है तो बेशक आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स डेवलपर्स ऑप्शंस उसके बाद देख सकते हो OEM अनलॉकिंग, जो कि बूटलोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे मैं बेशक ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और रूट इंस्टॉल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस के यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में, जो कि देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद जो है अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे आपको PC से कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में। PC में आने के बाद आपको यहाँ पे सम फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है, जो कि प्लेटफॉर्म टूल, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, यहाँ पे मैजस मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे मैजस मैनेजर APK, रूट चेकर APK। अब फर्स्ट आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इसको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू करना है, जो कि इसका भी आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है, इसको भी यहाँ पे ओपन करना है। और यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है, जो कि CMD टाइप करके आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है, जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके आपको इंटर करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर। उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो कि फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, उसके बाद एक स्पेस देना है, जो कि देख सकते हो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस। उसके बाद जो रिकवरी है यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, उसका फोल्डर ओपन करना है, इसके अंदर एक रिकवरी है, ये रिकवरी को यहाँ पे ड्रैग करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे रिकवरी फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है सभी फाइल्स को, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सभी क्लोज करके आपको यहाँ पे सिंपल आना है डिवाइस में। डिवाइस में आने के बाद पावर की प्लस वाले अप की दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि देख सकते हो डिवाइस ऑफ हो चुका है। पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है। तो देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल छोड़ के सभी यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, अपने इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे वर्किंग है आपका, यहाँ पे कोई भी जो कि 0 यहाँ पे MB आपको शो नहीं करेगा, इंटरनल स्टोरेज आपका यहाँ पे वर्क होगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे होम प्रेस करना है, जो कि सभी फाइल्स यहाँ पे आपको डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो होम प्रेस करना है, यहाँ पे सभी फाइल्स आ चुका है। फर्स्ट यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को फ्लैश करना है, और ये फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट होगा, तो सिंपल आपको वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे रिबूट होने तक। तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में आएगा, सिंपल आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे फिर फ्लैश करना है, जो कि यहाँ पे मैजस मैनेजर जिप को, इसको फ्लैश करने से आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट एनेबल हो जाएगा। तो सिंपल आपको ये फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है जो कि ऑरेंज फोर्स रिकवरी। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो बूट हो चुका है। उसके बाद माइजेस्ट मैनेजर APK और यहाँ पे रूट चेकर APK दोनों का यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि देख सकते हो रूट चेकर APK जो कि रूट आपको चेक करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे दोनों को इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है माइजेस्ट मैनेजर APK इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट इंस्टॉल्ड है, तो इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो माइजेस्ट मैनेजर APK यहाँ पे ये भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है माइजेस्ट मैनेजर APK, इसको यहाँ पे फर्स्ट ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन आता है जो कि 22.0 का। उसके बाद रूट चेकर को ओपन करना है। अगर आप यहाँ पे रूट को चेक करना है तो बेशक आप रूट चेकर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आपको गेट स्टार्टेड उसके बाद वेरीफाई रूट करना है और आपको यहाँ पे परमिशन ग्रांट कर देना है जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट अनेबल हो चुका है, जो कि देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जाना है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में, तो यहाँ पे पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है। वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो सिंपल आपको वेट कर लेना है। तो देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। बेशक आप विदाउट डेटा लॉस के अपने डिवाइस में यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 5 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।